सारे भाई ना, राम राम भाई। आप सबका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज भाई अपना रविओर की मशीन का जो है थ्रेसर बास्केट कर दिया पैक का। कुछ पैक थी इसमें जो खराब थी वो दे निकाल, और गैड्रम भी अपना सेट हो गया। इसके बाद भाई कुछ जो अपना बास्केट हुआ उसके सरिये टूट रहे थे, 5-7 तो सरिये वेल्डिंग करे हैं यहाँ पर भाई। जितना उसका इतना इनका सार रहे हैं, वेल्डिंग भी अपना आप कर रहे हैं, जबकि पहले भी बहुत कम किया है अपना किसी गाड़ी पर। और वेल्डिंग सेट अपना पता ही अपना, वो पड़े वो सामने वेल्डिंग सेट भी पड़े, इन्वर्टर वेल्डिंग सेट अभी दिखाऊंगे अपने। मैं जग्गी भाई लाग रहा वेल्डिंग साफ ठोकन जग्गी ला देगा काम देखना तो फिर बाकी भाई अपना पता है। स्प्रे का भी जोर पड़ रहा है, लगभग 3-4 ढोल जा रहे हैं करने। उसके बाद अपनी दिलप्रीत खड़ी है बाहर, वो भी देख रही है बाट है, उसमें भी ग्रीस ग्रास करेंगे और काम करेंगे। अभी जो भाई बास्केट है ये थ्रेसर की बस साफ डाल रहे हैं। ये भाई विशाल गाड़ी के ब्रेक बनाने पड़ेंगे, देख लो 20 मॉडल गाड़ी है, इसके कितना तवा का सरिया, आधा तो ज़्यादा तवा का सरिया। इसके ना जो है भाई डिस्क चिपे हुए हैं जिसे ब्रेक चिप जाते हैं, तो विशाल वाले भाइयों के बहुत फ़ोन आ रहे थे भाई ब्रेक कैसे बनते हैं, इसकी हवा कैसे निकलती है। आज सारा सिस्टम चेंज करके दिखाएँगे आपको, लेदर वगैरह डालेंगे इसके। जैसे निकाल इसने तवा ना भाई, थिकनेस कितनी कम हो रही है इसकी, एक मिनट पूरी करनी बैठ रही है, आधा रह गया तो आधा उठ गया ना। ब्रेक चिपे हुए हैं यार मैंने वो इसकी वो नुगा इंच। ये उधर भाई रवि फोरमैन बने खड़े हैं। रवि क्या कर रहे हो? चेन ठीक कर रहे हैं, फट्टे लगा रहे हैं। फट्टे मतलब क्या लगा रहे हो? फट्टे कौन से, क्या के फट्टे है यार? ये फटिया है जो भी बोले, फट्टे फटिया है। फिटर चैन है? आओ, फिटर दिया भाई, जो फिटर चैन 7 माह थी वो लगा दी, ये न्यू। क्यों? हाँ। वो ज्यादा थोड़ी सी खराब हो रही थी एक। हाँ। चैन तो इस बंदे चेंज जो कर रखी थी वो वाली उसने, और कुछ फटिया नई भी डाली है। ये फट्टी डाली है भाई नई, जो खराब हो गई थी बिल्कुल, टूट टाट गई थी। बाकी जो पुरानी थी वो सीधी करके इसमें डाल दी। अब दोनों बंदे हैं, कह दे हमारा जी नहीं लगता, हमारा काम बता दे कोई जल्दी निबड़ जाएगा। हाँ। पर इस तरह काम दे दें भाई ना, बेटे बेटे जाए। बाकी जग्गी और ने यो डिस्क डाल दिया नया काले, क्या रुपये की पर्ची बनाई है इसकी? ये तवा कितने रुपए का दिया? अभी आज सवेरे सवेरे अपन स्टार्ट कर दी गिलप्रीत की रिपेयर, फिटर दिया उतार साइड में, और ताऊ ने चमका दिया फर्श पूरा, पेडे पुडे। ताऊ क्यों इन पेडे पीछे पड़ रहा? पहला थोड़ा प्रदूषण हो रहा, मैं तो पानी दे देगा पाला इन्हें, रोज छंग दे है पूरा भाई। अपना स्टाफ जग्गी भाई देख रहे जग्गी लाग रहे बोलने चले प्लेट वाले। अच्छा, मदन सोल्जर अपना मन रहा। बाकी सीजन का मैं मशीन चला है, टोरडे टारडे से चढ़े जावे। मदन है इंटा काटी है, क्या इंट लिखड़ी है? तीन लिखड़ी है, तीन आदि लिखड़े हैं। और भाई उरन बाकी एक चीज देखी भाई, देखे अपनी विशाल की भी फट्टी मुसरी है इस मशीन दे, इंट तक चढ़ा रखी है, तार भी चढ़ा रखी है बंदे ने मरे ने। ये कड़ता कट्ठी करा के देख लियो तार, या भी काटा गे दिखाओगे। लेकिन भाई इस मशीन की नहीं देख लियो कोई एक भी फट्टी बंग हो रही है। जब गिलप्रीत गिलप्रीत है भाई, सारे नाम कहूँ भाई गिलप्रीत मशीन बढ़िया, तो चलो शौक अपना कोई विशाल कोई कुछ प्रीत कोई और ले आवे। इतनी बढ़िया फिटर की इसकी सेटिंग है, MP का लाए, जीरिया का ला दिया, कणक का ला दिए दो चीज़ ने, एक MP का एक अपना उरा का, 40 बहुत सेट है मशीन है। मैं देख लिया फट्टी तक नहीं मुसी मशीन की फिटर क्या नहीं, गले चलाने वाले भी अपने पूरे कलिए थे, पूरा फेंटा ला दी जो कहते बहुत समझा दे भाई मशीन कितनी सेट रखनी है। चलो यो था भाई सीजन लुवाना था अपन, बिश्का भाई कर रहे हैं अपनी प्लेट खुल गई उपर लेना टे वह रह गया मदन वह खोले एक। हाँ उरा भाई बाद हुआ चल रहा गीत संगीत हम जी, क्या हाल चाल है का है? आज कर दी फिर गिल प्रीति स्टार्ट है, जन्मदिन भी है गिल प्रीति का, जन्मदिन है फिर केक का खड़ा हुआ किस तरह शाम को कटेंगे, पक्की बात है फिर ठीक है। देख ले सारे भाई सुनने लग रहे हैं जी केक नहीं कटे नहीं पक्का पक्का जी फिर ठीक है। मौसम किस हो रहा? मौसम ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा। स्प्रे करन जावा दे देखन ला रहे हैं बाट मारा हम, क्या किल्ले में रह गई है? 8 में रह गई, 8 में। देख ले भाई अपनी जद भी भाई रिपेयर करो
सब तो पहला तो ताकि खोलो मशीन की, एक तो चांदना रह जाओ मशीन के अंदर, दूसरा साफ सफाई बड़ी हो जा बाहर तो ध्यान भी रहो है, सारी की सारी एक ही खोलनी है, परली छड़ के खुल गई, बाकी थ्रेसर रह रहा अपना और वो परली शीप है, ये पिछली शीप है। रवि कैसी सफाई थी फिर गाड़ी की वहां पर? बहुत शानदार, थ्रेसर जैसी मशीन थी, जो हाथ की कटाई होने के बाद जो थ्रेसर चलती है उसमें जो निकलता गेहूं, ऐसा गेहूं निकलता था इसमें से। और बहुत से भाई कहते हैं बाजार ना का बारे में, देखो अपन ये यूज करा जर ना गेहूं का टाइम में बिल्कुल किसी प्रकार के दाना दूना की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। जिसे है वह काम दाम इसे जरूर बतावेंगे अपने, बाकी वो शीप अपनी ऊपर ली इसकी सफाई करके तेल तूल मारेंगे इसने खोलेंगे चुकुरदा था। तो भाई देखो बहुत से भाई लाते भी होंगे यार, नया भी नहीं कहते भी नहीं लम्मा पहली बार लाने लग गए या नहीं लाने लग गए, अगर कोई भाई लगाना चाहे तो लगा सका भाई, ऐसे नए नए जुगाड़ जो भी हम लगा रहे हैं अपनी मशीन में तैयार कर रहे हैं चला रहे हैं तो जरूर दिखाएंगे अपने। मौसम साफ हो गया भाई बरसात के बाद, कितनी बरसात पड़ी आज? बहुत हो गई है, हम आए जब से आप सबसे ज्यादा बारिश आज ही गिरी है ना, दो पचवाली हो गए सुबह की बरसात हो रही है। तो भाई सामान रह गया था अपना लेना तो ये लेके आए हैं रवि भाई, अभी आपको बता दे भाई। देखो कभी भी कोई भी कंबाइन के आप डिस्क ब्रेक बना रहे हो खराब हो जाते हैं जैसे नए बनाते हैं, तो इसका भाई विशेष ध्यान रखें, ये थोड़ा सा टाइट आता है जिसके कारण जो ब्रेक ऑयल जो है इसका प्रेशर नहीं बना पाता पूरा लिया ना, कभी भी ये डलेंगे तो ऐसे मतलब होना चाहिए, ऐसे डलना चाहिए तभी जो है इसका यहाँ पर ऑयल जो होगा प्रेशर बना पाएगा इसके ऊपर, और इसके बीच में फिलहाल एक रिंग डलेगा यहाँ पर, ये रिंग है ये इसके अंदर डल के थोड़ा टाइट हो जाएगा। अगर आप सोचा भाई नया आया ऐसे कैसे ठोक दिया फिर वो पीछे से प्रेशर नहीं बना पाता, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ये, अगर एक बार इसने बना भी दिया तो वापस नहीं जाएगा इसके अंदर, इसी कारण जो है भाई नए ब्रेक जो है चिपके जाते हैं गाड़ी को। लेकिन ये जो है भाई बिल्कुल ऐसे ही करिंग डल गए यहाँ पर इसके अंदर, सबको पता है, और अब ये इसके अंदर जाएगा। लो जी अपना तैयार हो गया सिस्टम, पत्ती पुत्ती डाल कर लेदर वगैरह डाल दी, सब दोनों के दोनों दोनों साइड डाल दी पत्ती, अब इसको लेके चलते हैं अपनी कंबाइन के पास। ये नया बदाल डाल दिया था भाई अपना व्हील, और लगभग 2,350 रुपये का दिया यू, बाकी आप सब ने देख लियो भाई कैंक रुपये का वह कैंक नहीं, बिल्कुल क्लच वाले फ्राई व्हील की तरह आयो, ये जड़ते हैं इस पर, ये 17 के दो नट है भाई इसके। ले ब्रेक तो गए अपने रेडी बिल्कुल, और इसके बाद इसका तो रह गया थोड़ा समान, इधर अपने वाली का चल रहा कारोबार। हाँ हाँ वो जब लास्ट में जाएंगे ना मैं तेरे को दुकान वाले से लेके दे दूंगा। इधर भाई अपना लाग रहा आज स्टाफ गिलप्रीत वाला, वो जंग अपना थोड़ा सा रह गया बाकी तो निकल गया, इसका थ्रेसर पाड़ेंगे। बाकी भाई आज अपनी गिलप्रीत का जन्मदिन है, आज का दिन इसने आप लेके आए थे, पिछली साल एक साल की पूरी हो जाएगी, और इसका आज आप काटेंगे हैप्पी बर्थडे केक काटेंगे, इसका केक ले रखा या मंगावेंगे काला भाई पै। हाँ भाई जग्गी केक कट बर्थडे का आज फरीदा मनावेंगे, बहुत दिनों की खुशी मनाई किसी चीज की, यो भी एक अपना पार्ट है फैमिली का नी, संभाल कर रखा और खुश हो जाएगी मशीन भी, विश्वकर्मा जी की कृपा था पर जट पड़िया देख मंजे दे जो खींचो है, जो हरेक मशीन में अपना अपना तरीका लगा रखी है, लेकिन गिलप्रीत वाले तो बढ़िया किसी ने ला रखी ना, थ्रेसरा लेना और आधी ब्रैक्टी वहाँ लग रही है आधी है लग रही, इसने बिल्कुल हाथ अगला खोलो थ्रेसर ना गेड़ा दे थोड़ी सी चोट मार दे सॉफ्ट फ्री तीनों के तीन। जग्गी हाँ जी और कोई सी कंबाइन में देखी है? कौन सी कंबाइन में देखी? मैंने इसमें देखी है, एक मिनट देखी है भैया ना, ओखी है कि सौखी है? जमा सौखी कट दे यार अपना, ये कट दे सॉफ्ट यार, ये भी बिस्कुट से खोल के ले सॉफ्ट गिर गई नीचे नहीं। अच्छा हाँ थ्रेसर हो गया फ्री सॉफ्ट पता, देखो
भाई एक तो एक तकनीक ला रखी है सारी मशीन ना, बाकी जो गिलप्रीत ने ला रखी है शायद किसी मशीन में देखने ना मिला। आप भी बताइए भाई आप वाली मशीन में कैसी लगा रखी है ये। चलो लो जग्गी भाई ने अपना निकल गए अपने थ्रेसर निकल गया अपना अपनी रह गई बास्कट। लो लंबा सीजन लगने के बाद अब बास्कट दिखा दें, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा भाई इतनी लंबी चली हुई है मशीन, ना कोई बार मुसरी है और कोई बैल मदाना की शिकायत नहीं आई है, अपना तो यहाँ दिन रात चली है मशीन। ये देख लो भाई बार बूर वगैरह ऐसे की ऐसी है बिल्कुल, अगला सीजन भी लगा देगी आराम से। हाँ और इस तरह अपनी बास्कट पड़ी है क्यों जग्गी बास्कट बुड़ी है न्यू कुन्यू ना, कोई पत्थर का रोड़ा कहेंगे नहीं। मशीन चलने में बढ़िया है यार, हैं मशीन भी खिंचाई और चलाई एक नंबर है, एमपी में बहुत कामयाब मशीन है। अरे विशाल चलाई है तना अपनी उसमें तो मजा नहीं आया यार, मैं तो देख ले बीच में आया क्या मतलब गिलप्री चलाऊंगा भाई विशाल नवी का मैंने कोई चाह नहीं है गिलप्री चलाऊंगा। इसकी सीट तो यार इतनी बढ़िया दे रखे नहीं तो बैठने का दार अलग है वो बना बंदा की नाड़ ऊपर लिख रहा टैंक था सारा को निकल लगा, मतलब इस तरह है ही नहीं महसूस। फीटर भी है नहीं इतना लंबा नहीं है, फीटर उठा बहुत है चाहे खड़े हो मोटरसाइकिल बड़ा स्टैंड पर चाहे छोटा वो कोई नहीं ऊपर हड़प दे जाए मतलब को नहीं है विशाल ले आए हैं भाई कोई भाई कह दे फिर बाद में भाई विशाल भी तो लेकर आए हैं शौक में है। हाँ यो पाइप है ना भाई थोड़ा सा यो ज्यादा दे रखे बिच्चा, मतलब इनका चल सकता काम अगर इसने थोड़ा ही यहाँ तक पंच कर देंगे ये बैंड थोड़ा ऊपर ये भी थोड़ा ऊपर ये कई बार अड़ जाता है बस। आज भाई अपनी गिलप्रीत कंबाइन ना पूरा एक साल हो गया, आज ही के दिन इसको लेकर आए थे भाई पीछे और आज आप अपनी गिलप्रीत कंबाइन का मना रहे हैं बर्थडे तो अपना दिखा दिया। यो भाई एक परिवार का हिस्सा हुआ अपनी कंबाइन हुआ जो जिसके साथ आप रोज रोटी कमा कर खा रहे हैं या अपना दिल तक तय दिल तक काम कर रहे हैं। काला भाई इसी खुशी में भाई अपना केक लेकर आया और बाकी भी पकौड़े पकौड़े चल रहे हैं अपना प्रोग्राम अंदर, बहुत दिन तो हो गए थे खुशी मनाए तो आज अपनी गिलप्रीत का नाम की खुशी मनाओगे। बाकी अपना बात करावा तो भाई काला भाई गिला हाँ भी काले किस खुशी में रखे आज केक है आज हैप्पी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे है कंबाइन का भी हैप्पी बर्थडे मना लेता हूँ आई साल मना हुआ विशाल का मनाएंगे 5-4 मार्च को 4 मार्च ना तो गिलप्रीत कंबाइन जब लेकर आए थे उस दिन भी मनाया था ना उस दिन भी मनाया था भाई। बाकी अपने एमपी वाले भाई आ रहे हैं ये स्टाफ अपनी कंबाइन का और उधर एक रवि आ रहा भाई इधर भाई अपना रवि भाई है और अपना जस्सी बेटा जो केक काटा का उसके बाद लगाएंगे